नमस्कार, मैं दिव्या धराधर, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अंत के प्रमुख खबरों को। सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए न्यायपालिका के विरुद्ध की गई टिप्पणी को लेकर बिना शर्त माफी मांगने पर आईपीएल के पूर्व आयुक्त ललित मोदी के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही सोमवार को बंद कर दी है। न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति सी टी रवि कुमार की पीठ ने मोदी द्वारा दायर हलफनामे का संज्ञान लिया है। हलफनामे में ललित मोदी ने कहा है कि भविष्य में वह ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जो किसी भी तरह से अदालत या भारतीय न्यायपालिका की महिमा या गरिमा के विरुद्ध हो। सीबीआई ने मंगलवार को आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया। मामले में जांच एजेंसी द्वारा पिछले वर्ष 25 नवंबर 2022 को दाखिल पहले आरोप पत्र में आप नेता का नाम नहीं था। वही विशेष न्यायाधीश ने इस पर विचार के लिए 12 मई की तारीख तय की है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर धरने पर बैठे पहलवानों का समर्थन करते हुए बुधवार को सवाल किया कि आखिर दिल्ली पुलिस पर किसका दबाव है और क्या सरकार दोषियों को बचाना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय राजधानी के प्रगति मैदान में 26 और 27 अप्रैल को वर्चुअल रूप से आयोजित एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया के 6th संस्करण को संबोधित करेंगे। इससे पहले पीएम ने दिसंबर 2022 में गोवा में आयोजित 10वें अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेदिक सम्मेलन और बीते 6 मार्च को पोस्ट बजट वेबिनार में चर्चा की थी। अब तक की चर्चा में मोदी ने आयुर्वेद, एलोपैथी, फार्मा और अनुसंधान केंद्रों को मिलकर वन अर्थ वन हेल्थ पर काम करने की सलाह दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 अक्टूबर 2014 को विजयदशमी के पर्व पर पहली बार आकाशवाणी पर शुरू किए गए मन की बात का सिलसिला इसी 30 अप्रैल को अपने 100वें एपिसोड के अहम पड़ाव पर पहुंचेगा। पीएम के जनता से सीधे संवाद के इस कार्यक्रम के एक विशेष आयोजन को यादगार बनाने के लिए प्रसार भारती बुधवार को मन की बात राष्ट्रीय कॉन्क्लेव आयोजित कर रहा है। मौसम विभाग की एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ ही सालों में हीट वेव का समय 12 से 18 दिन और बढ़ जाएगा। इसका लोगों के जीवन पर बहुत असर होने वाला है। इस चीज को लेकर अभी से स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट हीट एंड कोल्ड वेव्स इन इंडिया प्रोसेस एंड प्रोटेक्टेबिलिटी में कहा गया है कि नई बनने वाली इमारतों में वेंटिलेशन और इंसुलेशन की अच्छी सुविधा, हीट स्ट्रेस के बारे में जागरूकता, वर्क शेड्यूल में बदलाव, कूल सेक्टर बनाना और जल्दी चेतावनी जारी करना, ये सारे वो घटक है जिन पर जोर देने की जरूरत है। लीची, मशरूम, मखाना और लंबी भिंडी के उत्पादन में बिहार देश में पहले स्थान पर पहुंच गया है। वही आलू उत्पादन में देश में तीसरे और आम और शहद में चौथे स्थान पर आ गया है। केवल केला उत्पादन में बिहार देश भर में अब 7वें स्थान पर है। अभी देश में कुल लीची उत्पादन का 40% से अधिक बिहार में हो रहा है। देश के कुल मशरूम में 10% से अधिक उत्पादन बिहार में हो रहा है। मखाना में कुल उत्पादन का महज 15% ही देश के अन्य हिस्सों में हो रहा है। 85% से भी अधिक उत्पादन बिहार कर रहा है। देश की कुल लंबी भिंडी का 13% उत्पादन बिहार में हो रहा है। उद्यान निदेशालय की ओर से यह आंकड़ा जारी किया गया है। देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट में इन दिनों एक ऐतिहासिक मामले की सुनवाई चल रही है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ समलैंगिक शादियों को कानूनी मान्यता देने को लेकर हो रही बहस को सुन रही है। इसी दौरान देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि दरअसल देश में शादी और विवाह को लेकर कानून बनाने का अधिकार संसद को है, लेकिन हम यह देखना चाह रहे हैं कि आखिर देश में सर्वोच्च अदालत कितनी दूरी तय कर सकती है। दूरसंचार कंपनी भारतीय एयरटेल ने बिहार में स्मार्ट मीटर लगाकर 13 लाख घरों तक नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स सेवाएं मुहैया कराने के लिए सिक्योर मीटर्स के साथ साझेदारी की घोषणा की है। NB-IoT कम बिजली खपत वाली और बड़े इलाके को कवर करने वाली रेडियो नेटवर्क प्रौद्योगिकी है। इसकी मदद से स्मार्ट मीटर जैसी सेवाओं पर इंटरनेट आधारित उत्पादों को संचालित किया जा सकता है। टाटा मोटर्स ने मंगलवार को ऐलान किया कि उसने सिर्फ एक साल में यानी पिछले वित्त वर्ष में रिकॉर्ड संख्या में 198 पेटेंट और 79 डिजाइन दाखिल किए हैं। इसकी वजह से कॉमर्शियल वाहनों और यात्री कारों के एक भारतीय OEM द्वारा देश में दायर किए गए पेटेंट की संचयी संख्या सबसे ज्यादा है। कंपनी को वित्तीय वर्ष के दौरान 71 पेटेंट हासिल हुए हैं। शिरोमणि अकाली दल के संरक्षक और पंजाब के 5 बार मुख्यमंत्री रहे प्रकाश सिंह बादल का मंगलवार को निधन हो गया। 95 वर्षीय बादल को सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद एक सप्ताह पहले मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। बादल का जन्म 8 दिसंबर 1927 को श्री मुक्तसर साहिब के गांव में बादल में हुआ था। गांव के सरपंच से उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। उत्तर पूर्वी अफ्रीकी देश सूडान को संवारने के लिए भारत कई वर्षों से जुटा हुआ है। सूडान में पैरामिलिट्री फोर्स और सेना के बीच जारी संघर्ष से भारत की कोशिशों के साथ सूडान की तरक्की को भी झटका लगा है। भारत के मनोहर परिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान के अनुसार भारत ने सूडान को अधिक मोर्चे पर मजबूत बनाने के लिए बीते कुछ दशकों में करीब 300 करोड़ डॉलर से भी अधिक का निवेश अलग अलग क्षेत्रों में किया है। भारतीय विदेश राज्य मंत्री एम मुरलीधरन ने अक्टूबर 2021 में सूडान का दौरा किया था। इस दौरान दोनों देशों के बीच आर्थिक तेजी से जुड़ी कई परियोजनाओं पर सहमति बनी थी।
केरल ने राज्य में खेलों का बढ़ावा देने के लिए एक पंचायत एक खेल का मैदान प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। खेल के ये मैदान स्थानीय समारोहों और सामाजिक केंद्र के रूप में भी इस्तेमाल किए जाएंगे। इस परियोजना का लाभ 450 स्थानीय निकायों को मिलेगा। प्रोजेक्ट के पूरा होने में 3 साल का वक्त लगेगा। पहले चरण में 113 पंचायतों की सूची तैयार की गई है। इन्हें पर काम शुरू करने की तैयारी है। भारत मोजाम्बिक संयुक्त रक्षा कार्य समूह की चौथी बैठक 25 अप्रैल को नई दिल्ली में आयोजित की गई। बैठक की सह अध्यक्षता रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और मोजाम्बिक के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय के स्थायी सचिव कासिमीरो ऑक्स्टो मुयो द्वारा की गई। मोजाम्बिक ने आतंकवाद समेत सुरक्षा संबंधित खतरों का मुकाबला करने के लिए फोर्सेस की क्षमता और गतिशीलता बढ़ाने में भारत के समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया है। भारतीय पक्ष ने मोजाम्बिक को मजबूत द्विपक्षीय रक्षा संबंधों के प्रति नई दिल्ली के निरंतर समर्थन और प्रतिबद्धता का आश्वासन दिया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार ऑनलाइन मंचों पर आकर्षक फ्लैश सेल के खिलाफ नहीं है। हालांकि हम ई कॉमर्स कंपनियों की ओर से बाजार बिगाड़ने वाले कीमत और धोखाधड़ी के तरीके अपनाकर उपभोक्ताओं की पसंद पर अंकुश लगाने के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता फ्लैश सेल का लाभ उठाने के लिए ई मार्केट प्लेस मंच से अक्सर सामान खरीदते हैं, लेकिन ई कॉमर्स कंपनियां अपनी पसंदीदा या प्राइवेट इकाइयों से खरीदारी करने के लिए इन उपभोक्ताओं को बाध्य करती है। यह पूरी तरह से धोखा और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नियमों के खिलाफ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को केरल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। ट्रेन के शुरू होते ही विवाद भी शुरू हो गया है। पीएम मोदी के हरी झंडी दिखाने के बाद ट्रेन सोरानूर जंक्शन पहुंची थी, जहां ट्रेन पर कांग्रेस सांसद वीके श्रीकंदन के पोस्टर चिपका दिए गए, जिसे बाद में आरपीएफ कर्मियों ने पोस्टर निकालकर केस दर्ज कर लिया है। हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 880 मेगावाट का महत्वाकांक्षी अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क पर्यावरण मंत्रालय की आपत्तियों में फंस गया है। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के काजा में 5,500 करोड़ रुपए की लागत से इस पार्क का निर्माण प्रस्तावित है। प्रोजेक्ट साइट का दोगुना वन क्षेत्र विकसित करने की शर्त से सोलर पार्क अधर में फंस गया है। वर्ष 2021-22 में केंद्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट का काम SJVNL को सौंपा है। 1350 हेक्टेयर भूमि पर सोलर पार्क को विकसित किया जाना है। दिल्ली के लिए शालीमार बाग इलाके में आपदा प्रबंधन केंद्र तैयार होगा। इसके लिए उपराज्यपाल ने पहले ही जमीन के लिए मंजूरी दे दी है। अब ऐसे ही अन्य केंद्र की तैयारियां शाहजहांबाद इलाके के लिए भी की जा रही है, और इसके लिए दिल्ली सरकार की तरफ से एक सुझाव भी भेजा गया है। किस क्षेत्र में आपदा व आगजनी से निपटने का नया केंद्र तैयार कर लिया जाए। आज यानी 26 अप्रैल के दिन विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे की स्थापना विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा 2000 में इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए की गई थी कि पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और डिजाइन दैनिक जीवन पर कैसे प्रभाव डालते हैं। तमाम शोध वायु प्रदूषण को सेहत के लिए हानिकारक बता चुके हैं। हालांकि यह पहली बार है जब वायु प्रदूषण की वजह से बच्चों के मानसिक विकास पर बुरे असर की पुष्टि हुई है। ब्रिटेन के स्टिंगलिया यूनिवर्सिटी और उत्तर प्रदेश के कम्युनिटी एम्पावर्ड लैब ने बरेली के पास शिवगढ़ में घरेलू प्रदूषण का बच्चों की मानसिक सेहत पर अध्ययन किया। ईआईएफ जनरल में प्रकाशित अध्ययन में बताया गया है कि जिन घरों में खाना पकाने के लिए कोयले और लकड़ी जैसे ठोस ईंधन का इस्तेमाल होता है, वहां वायु गुणवत्ता बहुत खराब होती है। इससे बच्चों की दृश्यात्मक संज्ञान क्षमताएं प्रभावित होती है। सिंगापुर में ड्रग्स की तस्करी करने के लिए दोषी भारत के मूल शख्स को आज यानी बुधवार को फांसी की सजा दी जाएगी। हालांकि फांसी की सजा नहीं देने को लेकर उसके परिवार ने राष्ट्रपति से अपील की, लेकिन राष्ट्रपति ने यह याचिका ठुकरा दी है। 46 साल के तंगा राजू सुपैया को नशीली दवाओं के सेवन करने और ड्रग्स तस्करी के आरोपों के बाद साल 2014 में गिरफ्तार कर लिया गया था। एयर इंडिया के पायलटों ने टाटा सन्स लिमिटेड के मानद चेयरमैन रतन नवल टाटा को एक ऑनलाइन आवेदन में कहा है कि उनका मनोबल गिरा हुआ है, क्योंकि एयरलाइन के मानव संसाधन विभाग उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं कर रहा है। यह कहते हुए वे अपने काम और वैश्विक मंच पर टाटा समूह और भारत का प्रतिनिधित्व करने में अपनी अहम भूमिका पर गर्व महसूस करते हैं। यूके और भारत ने एक कार्यक्रम शुरू किया जो दोनों देशों के छोटे व्यवसायों को एक साथ काम करने में मदद करता है। यूनाइटेड किंगडम आधारित अग्रणी व्यापार वित्तीय मंच टाइड ने मंगलवार को भारत में उद्यमशीलता को वैश्विक बनाने के उद्देश्य से एक विनिमय कार्यक्रम शुरू किया जो भारत और भारतीय व्यापार में ब्रिटेन में व्यापार को बढ़ावा देने में मदद करेगा। विनिमय कार्यक्रम में भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त एलेक्स एलिस ने कहा कि यह व्यवसायों के साथ साथ नौकरियों के सृजन को भी बढ़ावा देगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सुप्रीम कोर्ट गुहार लगाई है कि वह केंद्रीय जांच एजेंसियों के कामकाज पर संज्ञान ले। झामुमो नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। केंद्र सरकार नहीं चाहती कि राज्य में काम और सरकार जन कल्याण की राह पर आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि पिछले 9 सालों में गैर भाजपा शासित राज्यों में कितनी बार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हुआ है, यह सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है
एमडी साकिर हुसैन, महेंद्र कुमार, संजय चौधरी, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, बाबूलाल मरांडी, नुन्नू गोलू कुमार और बिट्टू कुमार राज। बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, प्रदूषण को रोकने के लिए आप अपनी तरफ से क्या पहल कर रहे हैं? अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।